इंदौर में कोकिलाबेन अस्पताल का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन प्रख्यात अभिनेता और बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, बिजनेसमैन अनिल अंबानी और श्रीमती टीना अंबानी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री जया बच्चन भी शामिल हुई। अमिताभ बच्चन ने इस दौरान कहा, स्वच्छ के बाद अब सबसे स्वस्थ शहर भी बनेगा इंदौर। अमिताभ बच्चन ने दीप प्रज्वलन कर कोकिलाबेन हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इसके पहले उन्होंने अस्पताल का दौरा किया। इसमें उनके साथ जया बच्चन, टीना अंबानी, अनिल अंबानी, राजेश मेहता सहित हॉस्पिटल की टीम भी शामिल थी। इंदौर की स्वच्छता के मुरीद हुए महानायक अमिताभ बच्चन ने इंदौर की जमकर सराहना करते हुए कहा कि इंदौर शहर आकर मुझे आनंद आ रहा है। इतना भव्य अस्पताल यहाँ पर खोला गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसका उपयोग करेंगे। इंदौर शहर को घोषित किया है कि वह सबसे स्वच्छ शहर है भारत वर्ष में। आज इस अस्पताल के उद्घाटन के बाद मैं कहना चाहता हूँ, इंदौर जो है सबसे स्वस्थ शहर भी भारत का बने। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बहुत ही आनंद आ रहा है और इतना भव्य एक अस्पताल यहाँ पर खोला गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसका उपयोग करेंगे। इंदौर शहर को घोषित किया है कि वह सबसे स्वच्छ शहर है भारतवर्ष। आज इस अस्पताल के उद्घाटन के बाद मैं कहना चाहता हूं कि इंदौर जो है सबसे स्वस्थ शहर है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।